नमस्ते दोस्तों, आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल परेश जैन में स्वागत है। आज मैं यहाँ पे लोनावला पे आया हूँ और तीन नाइट का मेरा यहाँ पे स्टे है फुल फैमिली के साथ में। अक्सर लोनावला महीने में एक या दो बार मेरा आना जाना होता रहता है, लेकिन मैंने कभी लोनावला के ऊपर कभी कोई ट्रैवल व्लॉग नहीं बनाया है, लेकिन इस बार मैंने बनाने का सोचा है। वजह यह है कि हर बार जब आता हूँ तो मैं अपने दोस्तों के साथ में आता हूँ या मैं अकेले भी आके स्टे करता हूँ, लेकिन इस बार जो है व्लॉग बनाने का रीज़न ये है कि मेरी पूरी फैमिली इस वक्त मेरे साथ में है। मेरे साथ में मेरी फैमिली है, मेरे भाई की फैमिली है, सिस्टर की फैमिली है, बच्चे है, काफ़ी सारे छोटे छोटे बच्चे। तो मैंने सोचा कि इस खास मोमेंट को इस बार कैप्चर किया जाए, तो बस इसीलिए इस बार इस व्लॉग को पूरा शूट कर रहा हूँ और तीन दिन के तीन व्लॉग बनाऊँगा और तीनों व्लॉग मैं अपलोड करने वाला हूँ। उम्मीद करूँगा कि आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आएगा। इस बार लोनावला में स्टे के लिए एक बंगलो मैंने यहाँ पे हायर किया है, जो कि 4 बेडरूम हॉल किचन का बंगलो है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही रीजनेबल रेट में मुझे ये बंगलो मिला है, पर नाइट का कुछ 7,000 रुपीज़ है। बंगलो के बारे में भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, उसे एक शूट करके दिखाऊंगा और बुकिंग किससे करनी है, क्या करनी है, उसकी भी एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, तो ताकि अगली बार आप भी कभी लोनावला आए तो इस बंगलो को आप बुक कर सके। तो चलिए बंगलो को शूट करके भी मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, इस वक्त दोपहर के 3 बजे है और बहुत ही लेजी फील कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हमने 1:30 बजे के आसपास लंच किया है और लंच बहुत ही टेस्टी था। लंच हमने मानक सैनिटोरियम से मंगाया था और फूड सच्ची कहूँ बहुत टेस्टी था, बहुत ही सात्विक और शुद्ध फूड था और मेरा टेस्ट वैसा ही है। हालांकि बच्चों को फूड पसंद नहीं है, क्योंकि बच्चों का जो टेस्ट है वो पनीर टिक्का मसाला और सब उस टाइप का पंजाबी फूड खाना वो पसंद करते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद बहुत ही आलस फील कर रहा हूँ और बच्चे जो है कब से जिद कर रहे हैं खेलने के लिए। तो 3 बजे है तो हमने सोचा कि अभी थोड़ी देर के लिए बच्चों के साथ में एक टेबल बैडमिंटन खेला जाए और बैडमिंटन के बाद हम फिर स्विमिंग एंड देन हो सकता है कि गिटार नाइट करें। तो जो भी है दोस्तों, पूरा दिन इंजॉय करने वाले, एक सेकंड के लिए भी हम यहाँ पे फ्री बैठने वाले नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे 3 दिनों के लिए पूरी धमाल करने आए। तो दोस्तों चलिए खेलते हैं टेबल बैडमिंटन, और बैडमिंटन मेरे जाने के पहले इन लोगों ने शुरू भी कर दिया है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या धमाल चल रही है इस वक्त यहाँ पे लोनावला पे। ये देखिए बैडमिंटन जो है पूरी तरीके से शुरू हो चुका है और 2 घंटे तक हम लोग खेलने वाले, उसके बाद हम अगला प्लान करेंगे क्या करेंगे आज के दिन के लिए। इस वक्त मेरे साथ में स्पर्श है, स्पर्श है जो कि आपको बताएगा आज का शेड्यूल क्या है। बताए स्पर्श, क्या करने वाला है? सबसे पहले अभी जब हम लोग आए हैं तो सब लोग बहुत थके, तो अभी सबने खाना खा के खेलना चालू कर दिया है। तो अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सब लोग ये खेल रहे हैं बैडमिंटन। और आप क्या करने वाले हो? बैडमिंटन खेलने वाले हो? मैं तो बैडमिंटन के कप का वेट कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक रैकेट टूट गया है, इसके लिए वो नहीं खेल सकते। रैकेट भी टूट गया, ओके। और बैडमिंटन के बाद में फिर? बैडमिंटन के बाद हम लोग खेलने वाले बिजनेस खेलने वाले की स्विमिंग करने वाले बिजनेस
ओके ठीक है, मैं युवान चाचा खेलेगा या फिर पापा और मैं खेलेंगे। ओके इस वक्त मेरे साथ में स्पर्श, स्पर्श भी, स्पर्श के साथ में यूवी भी आया, तो यूवी से बात करते हैं। यूवी इधर आ फटाफट, बढ़िया ऐसा मारने लगी तो। युवान के बारे में बता दो कि बहुत ज्यादा कैमरा कॉन्शियस है, बोलने में बहुत घबराता है, लेकिन चलो उसको पूछता हूं उसने आज के दिन के लिए क्या प्लान किया हुआ है। मैं सोच रहा हूँ कि अभी हम बैडमिंटन खेलेंगे, स्विमिंग करेंगे 5 to 7, उसके बाद डिनर करेंगे। ओके उसके बाद फिर हम लोग पत्ते हत्ते खेलेंगे, पत्ते हत्ते खेलेंगे। तो मजा आ रही है यहाँ पे। हाँ, कितने टाइम के लिए हम लोग बैडमिंटन खेलने वाले? दो एक घंटा खेलेंगे। चलो ठीक है दोस्तों, जैसे कि अभी यूवी और स्पर्श ने कहा हम लोग यहाँ बैडमिंटन खेलने वाले, तो हम थोड़ी देर बैडमिंटन को एंजॉय करते हैं और उसके बाद का जो भी वीडियो का शूट करके मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों इस वक्त शाम के 4:30 बज चुके हैं और हम लोग बैडमिंटन खेल के काफी थक चुके हैं, सारे बच्चे थक चुके हैं, इसलिए वो अपने अपने रूम में जाके आराम कर रहे हैं और मैं इस वक्त थोड़ी देर बाहर एक राउंड मारने के लिए आया हूँ। दोस्तों जगह बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, लेकिन कोविड के चलते लोग बहुत कम है लोनावला में और स्विमिंग पूल वगैरह जो है यहाँ पे जो एमिनिटीज़ है वो भी बंद है। फिर भी चले मैं आपको जगह दिखाता हूँ, जगह कितनी खूबसूरत है। बंगले के बाहर खेलने के लिए काफ़ी सारी स्पेस है और यहाँ पे मैं दिखाऊँ आप मेरे सामने, जैसे कि यहाँ पे इंडोर गेम्स वगैरह भी है और इस वक्त कोविड के चलते उन्होंने शायद इन सभी चीज़ों को बंद रखा है। यहाँ पे स्विमिंग पूल भी आप देख सकते हो, स्विमिंग पूल से पानी पूरा निकाला जा चुका है, किसी को भी स्विमिंग करना अलाउड नहीं है। पर जब कभी भी आप अगर इसके बाद में और कभी भी आओ आफ्टर द कोविड के पीरियड के बाद में, तब आपको यहाँ पे इंजॉय करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें। मैं यहाँ इस बंगलों में यहाँ पे इस प्रॉपर्टी में पहले भी कई बार आ चुका हूँ क्योंकि मेरे दोस्त का बंगलो ऑलरेडी यहाँ पे है, तो हमने यहाँ पे कई बार स्विमिंग भी की है, इंडोर गेम्स भी खेले हुए हैं, लेकिन इस बार बदनसीबी से ये बंद है। चलिए दिखाता हूँ मैं, मेरे सामने इसका स्विमिंग पूल है, देख सकते हो पानी पूरा यहाँ से निकाला जा चुका है और ये सामने जो एरिया है यहाँ का प्ले एरिया है, यहाँ पे हम थोड़ी देर पहले बैडमिंटन खेल रहे थे और अब हम सीधे चलते हैं यहाँ से घर पे, कुछ देर के लिए आराम करेंगे, देन टी ब्रेक, और टी ब्रेक के बाद में देखते हैं क्या करते हैं हम, उसके बाद का वीडियो शूट करके आपको बताता हूँ बाद में मैं। चलो गाइस इट्स स्विमिंग टाइम, सभी लोग छोटे से इस पूल के अंदर आ चुके हैं और धमाल मस्ती करने वाले हैं। देखिए मैं आपको दिखाऊं ये छोटा सा पूल कितना खूबसूरत है, ये देखिए। डर रहे हैं, पहली बार पानी में उतरा है वो, इसके लिए मैं तो स्विमिंग भी नहीं आती। मजा आ रही है, मजा आ रही है। पूल बहुत छोटा है लेकिन बहुत मजा आ रही है बिकॉज एनवायरमेंट और यहाँ का क्लाइमेट इस वक्त ऐसा हो चुका है कि लग रहा है कि बस अभी बारिश हो जाए, और हकीकत बोलूं दोस्तों अगर बारिश हो जाए तो बस बारिश के साथ स्विमिंग एक अलग ही फन है, बहुत मजा आ रही है, हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों स्विमिंग पूल में पहली बार मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूँ कि स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते हुए, कई बार मैंने पार्टी तो की है, ऐसा नहीं कहूँगा पार्टी नहीं की मैंने, लेकिन इस बार पार्टी में ड्रिंक्स के अलावा पहली बार मैं स्विमिंग पूल में कचौरी और चाय का मज़ा ले रहा हूँ। दोस्तों तो मैं दिखाऊँ किस तरीके से मैं यहाँ पे इंजॉय कर रहा हूँ और मेरे साथ मेरे जो फैमिली मेम्बर्स वो भी यहाँ पे चाय के साथ में
जो है कचोरी और चाय का बड़े बहुत इंजॉय कर रहे हैं। देखिए मेरे सिस्टर शीतल, ये राजेश जी चाय पीते हुए खड़े, और इस वक्त मेरे ठीक राइट साइड में अल्पेश और स्पर्श, और ये है हमारा सबसे बदमाश बच्चा यूवी। तो थोड़ा सा टी ब्रेक हो जाए दोस्तों, बहुत ही यादगार लम्हा। इस वक्त मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ में है, और साल में एक बार ऐसा होता है कि पूरी फैमिली मिलके एक बार कोशिश करते हैं कि सब साथ में हॉलीडेज के लिए जाएं, एंजॉय करें। तो लॉकडाउन के चलते हुए काफ़ी टाइम से हम लोग कहीं बाहर नहीं जा सके थे, मॉम डैड और बच्चे भी काफ़ी बोर हो चुके थे, तो हमने सोचा क्यों नहीं इस बार लोनावला का प्लान करें। तो बस ये एक अच्छा फैमिली मोमेंट है जिसे मैं बहुत ही खूबसूरती से कैप्चर कर रहा हूँ लाइफ टाइम के लिए। उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथ इस वक्त मैं जितना एंजॉय कर रहा हूँ आप भी उतना इस वीडियो को एंजॉय करेंगे। आइए मैं दिखाता हूँ सब लोग कैसे क्या एंजॉय करें मेरे साथ। ये देखिए चाय के साथ में स्पर्श से आए, यहाँ पे आपको दिखा हम लोग क्या नाश्ता कर रहे हैं, खिपड़े भैया ये सब कुछ जो इस वक्त हम जो यहाँ पे चाय के साथ में पापड़ी बिस्किट्स और गोकुल दास की कचौरी सब कुछ बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। दोस्तों इस वक्त रात के ठीक 8:30 बजे है और बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, तो हमने अभी अभी मुंबई मसाला में फूड का ऑर्डर दिया है, फास्ट फूड मंगाया हमने वहाँ से। फूड का भी मैं आपको रिव्यू दूंगा कि कैसा फूड है उसका, लेकिन उससे पहले अब थोड़ा सा वॉक करने का दिल कर रहा है, तो 45 मिनट्स या 60 मिनट्स की एक वॉक करूँगा और उसके बाद मैं डिनर, और डिनर के बाद में जो प्लान है हमारा आज फैमिली के साथ में वो मोस्ट प्रोबेबली हम प्लेइंग कार्ड्स खेलेंगे, और दक्ष जो है मेरा नेफ्यू बहुत अच्छा गिटार बजाता है, तो एक गिटार नाइट का भी आज प्लान हम करने वाला है। सब कुछ शूट करने वाला हूँ और फूड का रिव्यू भी आपको देने वाला हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है, ये शूट करके सब कुछ आपको दिखाने वाला हूँ। मिलते हैं। दोस्तों इस वक्त हम जजमेंट गेम खेल रहे हैं। वैसे कार्ड खेलना मुझे इतना शौक नहीं है, लेकिन सभी लोग फोर्स करें तो ये गेम मैं खेल रहा हूँ इस वक्त। ये गेम के जो रूल्स है वो आपको इस वक्त मेरे साथ में जो विवान है आपको बताएगा। विवान गेम के रूल्स हैं, गेम में 3 रूल्स होते हैं कि आप पहले आपको जजमेंट करना होता है कि आपके कितने हाथ होंगे, हकम पे बेस्ड होता है ये, और हर गेम में हकम बदलता है काचू फॉलो के सीक्वेंस में, और अगर आपके जजमेंट के हिसाब से नहीं बनता यानी कि आपका एक ज्यादा एक कम बना या कुछ डिफरेंट हुआ तो आप हार जाते हो, जिसका जजमेंट के हिसाब से बनता है उस हिसाब से आपको पॉइंट्स मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया गेम बहुत इंटरेस्टिंग है, सभी लोग यहाँ बैठे और गेम का पूरा मजा ले रहे। देखिए आपको दिखाता हूँ सभी लोग इस वक्त। पूरे गेम में कितने लोगों का जजमेंट एकदम परफेक्ट गया है, हाथ ऊपर, 1, 2, 3, 4, 5 इंक्लूडिंग माई सेल्फ 6 लोग। दोस्तों ये भी जो है लास्ट गेम है इस जजमेंट गेम का, इसमें सबसे लास्ट में सबको एक एक पत्ता दिया जाता है, और उस एक पत्ते को पकड़ने का तरीका वो है नागिन के स्टाइल से, मैं आपको शूट करके बताऊंगा। एक पत्ता जो है आपको अपने सिर के ऊपर लेके बैठना पड़ता है और पत्ता ओपन करना पड़ता है, और उसमें जो भी जिसका भी जजमेंट गलत गया वो लास्ट में काउंटिंग की जाएगी, और वो हारा या जीता मैं आपको लास्ट में चेक करके बताऊंगा। देखिए ऑडियंस, आर यू रेडी? ये अब तो प्लेयर द ऑडियंस नहीं होगा, स्टार हो रहा है। ओके कैमरा में मुझे परे जी
आपको बत्ता लेना है, आशीष ऐसे लेने रखना है। हाँ ठीक है, लीजिए। तेरा मुझे लेना है, तेरा नंबर मेरा ही है। ये आपका, ये पूनम है। आप देखना नहीं है, पता उसका पता खुद नहीं है। कैमरा में मम्मी को दे, आपको दूसरों को दिखाने पता। अपना अपना उठाओ, सबसे पहले कौन करेगा? हाथी को करी लो, देखिए सारे नागिन, सुधीर नागिन और मेन नागिन। मम्मी आप उबाल ऊपर, उबाल बेस। अरे वाह, मुकुल क्या है? सबको इंसान से सामने इंक्लूडिंग माय सेल्फ। पल्ली हुकुम है। ओके, और मेरा आया लाल की चौकी है। ऐसा बोले आपको कंपलसरी, अभी नहीं ऐसा होता है। पत्ता देखा था, कंपलसरी हो गया। पत्ता देख ही नहीं सकता आप, मुझे थोड़ी मालूम था। आपने बोला पत्ता देख लिया। अच्छा, तो मुझे मालूम नहीं था। रुकना, पत्ता चेक कर लो। नहीं नहीं, बता दे, ऐसा नहीं है। मेरा परफेक्ट है, मेरा परफेक्ट है। पता चेंज होगा, चेंज होगा। नहीं नहीं, मेरा परफेक्ट है। नहीं नहीं, पत्ता देखना ही नहीं होता। मुझे थोड़ी बोले पत्ता नहीं देखने का। टेंशन नहीं है, पता लग पड़ा है। बोलो कितना? बोलो जल्दी, बोलो। जीरो 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 खेलो भाई साहब। देखो, पहला पत्ता भी चौकी, दूसरा पत्ता भी चौकी। ईमानदार आदमी देखो। और ये जजमेंट भी मेरा परफेक्ट गया है। और ये गेम मैं जजमेंट में टूटा है, वो किसका टूटा है? मम्मी जीती। ओके, तो मेरे मॉम को जीरो बोलो, जीरो के दो। एक, अरे मजबूरी है, हेलो जीरो, सबका जीरो था क्या? चलो ठीक है, बोला ना? नहीं बोला, नहीं बोला। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम था ये। 7 कार्ड से एक गेम स्टार्ट हुआ था, और 7 कार्ड के बाद में फिर 6 कार्ड, 5 कार्ड, 4 कार्ड, और लास्ट में 1 कार्ड दिया जाता है। और हर बार, हर गेम में आपको, आप कितने सेट करोगे, इसमें हिंदी में हम लोग हाथ कहते हैं, इंग्लिश में मुझे पता नहीं क्या बोलते उसे, पर उसको आपको हाथ करना पड़ता है। 7 हाथ, 7 से पत्ते स्टार्ट होता है, और ये 1 पत्ते पे आता है। और बिलीव नहीं करेंगे, 7 गेम में मैंने सिर्फ एक ही गेम को हारा है। एक ही गेम में मेरा जजमेंट जो है वो खराब गया है, रॉन्ग गया है। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो काउंटिंग होगी, उस काउंटिंग के हिसाब से सबसे ज्यादा जो पॉइंट्स है वो मुझे ही मिलेंगे। लेट्स सी क्या होता है। तो अब पॉइंट्स गिनने के लिए मैं लेके जाता हूँ कैमरे को सीधा राजेश जी के पास। राजेश जी इस वक्त हिसाब कर रहे हैं कि कौन सा प्लेयर ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। राजेश जी जरा प्लीज स्कोर बताओ। फर्स्ट है पूना पायल भाभी। अच्छा, फर्स्ट बोल रहे हैं 70। फर्स्ट कौन है? पायल भाभी। ओके, सेकंड? आप और मैं दोनों फोर्थ पे। मैंने बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ में वीडियो शूट किया था कि मैं जीतूंगा, लेकिन मैं फोर्थ नंबर पे आया हूँ। और जजमेंट जो दूसरों के काफी अच्छा गया मुझसे, तो ठीक है, कोई बात नहीं। गेम बहुत इंटरेस्टिंग था, और आज का दिन मैं समझता हूँ कि अभी यहाँ पे प्लेइंग कार्ड के साथ मैं खत्म करने वाला हूँ। लेकिन हाँ, उससे पहले हम लोग एक बार दक्ष के साथ मिल के कुछ गिटार के ऊपर अच्छे से सॉन्ग्स प्ले करने वाले हैं। दक्ष बहुत अच्छा गिटार बजाते, तो 2-4 सॉन्ग सुन के फिर आज का ये डे वन बोलावला का मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। तो चलते हैं सीधा अभी गिटार प्ले करने के लिए दक्ष के साथ। कभी कभी आधी जिंदगी में भी कोई अपना लगता है, कभी कभी आधी वो बिछड़ जाए तो एक सपना लगता है। ऐसे में कोई कैसे मुस्कुराए, हंसते खुश ऐसे में कोई कैसे अपने आंसू जो करता हमारी देह
खोया खोया जानता जो था खफा खफा टूटा टूटा खुआ बुझा जो सिरा जुड़ा इतना दिया दिया सुखी जो पूरी हो गई तुम मिल गए तो जाने क्यों गे दूरी हो गई जो बोल